बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल अवाना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद कूलिंग सेंटर। तो नाजरीन, आज मैं सरजी के घर में, इनका कोई गीजर है वो मसला कर रहा था, मतलब ऑन नहीं हो रहा ना। इन्होंने सेल भी चेंज करके चेक किए, उसके बावजूद भी नहीं ऑन हो रहा। तो क्या है सर? अस्सलामुअलैकुम सर, क्या है? ठीक है। अच्छा, ये क्या क्या प्रॉब्लम कर रहे थे? ये ऑन नहीं हो रहा, इसमें सेल भी नहीं डाले हैं। अच्छा। लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। ऑन नहीं हो रहा, तो या तो इसमें डब्बी का मसला है, डब्बी चेंज करेंगे तो शायद सही है। चलो इंशाल्लाह हम चेक करते हैं सर जी। तो जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो नजरिया अभी चलते हैं वर्क की तरफ। बेटे पेज का थे नजर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्सर चेक कर जरा, टूटी कॉल गर्म साइड की। तो गाइस, यहां से अगर मिक्सर का, ज्यादातर शावर मिक्सर का मसला होता है अगर वो खुला हो, क्योंकि ठंडे पानी का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है और गर्म लाइन में पानी नहीं होता। तो इस वजह से जो ठंडे पानी का पानी, ठंडे ठंडी साइड का जो पानी है वो गर्म लाइन में आ जाता है और उसकी वजह से आपका गीजर ऑन नहीं होता। मतलब गर्म लाइन में अगर ठंडी साइड से पानी आ रहा होगा तो आपका गीजर बिल्कुल ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रेशर आ रहा है। तो गर्म लाइन वैसे खाली होती है। अब मैंने वायर यहां से बंद कर दिया है, बंद करके हम वहां गर्म टूटी खोलेंगे तो चेक करेंगे। अगर पानी आ रहा है तो फिर आपके मिक्सर खुले हुए हैं, अगर पानी नहीं आ रहा तो फिर आपका मिक्सर बंद है, बिल्कुल ठीक है, खाली लाइन है। तो अब हम यहां से ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टूटी खोलिए, टूटी खोल। आ रहा है। तो गाइस ये देखें, गीजर बिल्कुल ऑन नहीं हुआ। अभी इंशाल्लाह हम इसको चेक करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो ये वाले सेल आपने नए डाले हैं सर जी? ठीक है। बिस्मिल्लाह। छोटे देना जरा वो दूसरी डब्बी देना। सेल हमने निकालनी है, अभी ये दो पेज खोलेंगे, डब्बी के अंदर दो पेज लगे होते हैं, ठीक है। आप उसका वो ढक्कन खोलेंगे ना तो उसके अंदर दो पेच लगे, वो आपने उतार लेंगे। तो गाइस ये डब्बी है, नई डब्बी है, इसके पीछे लिखा होता है जमा प्लस माइनस, ठीक है, निशान बने होते हैं। आपने उधर भी जो है ना तारे लगानी है, एक ब्लैक है और एक ये काली है और एक पीली है, ठीक है ना। इसमें जो पीली है ना वो आपकी प्लस की है, दूसरी माइनस की है ब्लैक वाली। और डब्बी के पीछे जो जमा प्लस माइनस का जो निशान बना तो उसी हिसाब से आपने तारे लगानी है। जो पीली है वो आपने माइनस पे लगानी है, सॉरी प्लस पे, पीली वाली प्लस पे लगानी है आपने, और जो काली है वो आपने माइनस पे लगानी है। तो अब इधर ही पहले इसको सेल डाल के हम चेक कर लेते हैं ऑन होता है या नहीं। छोटे की जरा ऑन कर, टूटी खोल जरा। तो सर गीजर आपका ऑन हो गया, सिर्फ डब्बी का प्रॉब्लम था। डब्बी के अंदर ये देखें, ये जंग लग जाए ना, ये जंग लग जाए तो इसकी वजह से आपका गीजर ऑन नहीं होता, क्योंकि ये डीसी करंट होता है, ये जंग की वजह से आगे पास नहीं होता। जो आम हमारे ये घर में जो होती है वो 220 है, वो जंग हो या अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो पास हो जाता है, लेकिन ये डीसी करंट जंग की वजह से पास नहीं होता आपका। तो गाइस आपको बताया ये डब्बी का मसला था, ठीक है। ज्यादातर आपका ये प्रॉब्लम होता है जो डब्बी या सेल की वजह से प्रॉब्लम होता है, या मैंने आपको जो शावर का बताया, शावर से अगर बैक पानी गर्म लाइन में आ रहा है तो उसकी वजह से जो है ना वो गीजर आपका ऑन नहीं होता। तो वीडियो अच्छी लगी और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। आज के लिए गाइस इतना था, मोहम्मद अफजल अवान को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।